दोस्तों आज के वीडियो में हम लाइव डेमो के साथ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आप Amazon पे अपना ब्रांड रजिस्टर्ड कर सकते हो ट्रेडमार्क के साथ। और एंड में मैं आपसे बात करूंगा कि जैसे ही आपका ब्रांड रजिस्ट्री के लिए एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है। ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है और ये पॉइंट्स बहुत ही जरूरी है और इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो पेंडिंग में नहीं होना चाहिए, वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए और वो रिजेक्टेड नहीं होना चाहिए। यहां पर एक एक्सेप्शन है, अगर आपका ट्रेडमार्क पेंडिंग में है तो भी आप ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपने आपका जो ट्रेडमार्क है उसका एप्लीकेशन किया है आईपी एक्सीलरेटर के थ्रू। आईपी एक्सीलरेटर हमारे इंडिया में कुछ लीगल फर्म्स है जिनका कि अमेज़न के साथ टाई अप है और ये लोग आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट ला कर देते हैं। अगर आप इनके थ्रू अप्लाई कर रहे हो और आपका अभी तक ट्रेडमार्क पेंडिंग में है फिर भी आप ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपका ब्रांड रजिस्टर्ड भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने किसी और सोर्स से अपना ट्रेडमार्क अप्लाई किया हुआ है और वो पेंडिंग में है तो आपका ब्रांड रजिस्ट्री नहीं होगा, आपका ट्रेडमार्क आने के बाद ही आप ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, Amazon दो टाइप के ट्रेडमार्क एक्सेप्ट करता है। सबसे पहला है टेक्स्ट बेस्ड ट्रेडमार्क, आप साइड में इमेज देख सकते हैं, इसमें आपके ब्रांड का नाम लिखा हुआ होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। दूसरा होता है इमेज बेस्ड ट्रेडमार्क, इस टाइप के ट्रेडमार्क में आपके ब्रांड का लोगो हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है और इनके साथ साथ इनमें लेटर्स हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं, आप साइड में इमेज देख सकते हैं। और ये ट्रेडमार्क कॉम्बिनेशन होता है आपका वर्ड बेस्ड ट्रेडमार्क और इमेज बेस्ड ट्रेडमार्क का। अभी मैं आपको लेके चलता हूं मेरी स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको ब्रांड रजिस्ट्री के लिए Amazon पे एप्लीकेशन करना है। आपको जाना है brandservices.amazon.in, यहां पर आपको साइन इन पे क्लिक करना है। आपका जो सेलर सेंट्रल अकाउंट है उस पे ऑलरेडी आपको लॉग इन करके रखना पड़ेगा ताकि आपको इधर साइन इन करने में इजी रहे। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको नए पेज पे लेके जाएगा, यहां पर आपको कंट्री सेलेक्ट करना है तो यहां पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इंडिया सेलेक्ट करोगे आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा, यहां पे आपको रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा, यहां पर आपको जो टर्म्स है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो आपको यहां पे क्लिक करना है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे। ये करने के बाद आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा, यहां से आपका जो ब्रांड रजिस्ट्री का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। यहां पर आपको क्लिक करना है एनरोल अ न्यू ब्रांड। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको नए पेज पे लेके जाएगा, यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो ट्रेडमार्क नंबर है, वो आपको अपने पास लेकर बैठना पड़ेगा। जैसे मैं आपको सिंपली एक इमेज बता देता हूं, ये एक ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है, यहां पे ये ट्रेडमार्क नंबर लिखा हुआ है, इसके सामने ही आपका ट्रेडमार्क नंबर रहता है तो यहां से आप ले सकते हो। दूसरा, आपको एक प्रोडक्ट का इमेज अपने पास लेकर बैठना पड़ेगा जिसपे कि आपका ब्रांड नेम विजिबल हो क्लियरली, ये आपके कंप्यूटर में भी सेव होनी चाहिए। अगर आप एज अ वेंडर अमेज़न के साथ काम कर रहे हो, लाइक क्लाउड टेल को आप अगर कुछ माल वगैरह सप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एक वेंडर कोड रहता है तो वो भी आपको डालना पड़ता है। अगर आप खाली सिंपली amazon.in पे रिटेल सेल ही कर रहे हो तो आपको ये वेंडर कोड वगैरह भरने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपको एक एसिन नंबर अपने पास लेकर बैठना पड़ेगा जो कि आपको ब्रांड रजिस्ट्री का जब भी आप प्रोसेस करोगे आगे तो उधर आपको डालना पड़ता है। इसके बाद अगर आप किसी और देश में भी सेल कर रहे हो तो आपको उनका भी इंफॉर्मेशन देना पड़ सकता है, राइट।
यहां पर आपको क्लिक करना है एनरोल योर ब्रांड पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा। यहां पे आपको ब्रांड इंफॉर्मेशन के नीचे सबसे पहले अपने ब्रांड का नेम डालना है, तो यहां पे ऑलरेडी मैंने डाल दिया है एबीसी। इसके नीचे आपको ट्रेडमार्क ऑफिस सेलेक्ट करना है, तो यहां से आपको इंडिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके नीचे आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया आप कहां से अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हो। इसके नीचे आपको अपना स्टेटस बताना पड़ेगा ट्रेडमार्क का, अगर वो रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पे क्लिक कीजिए, अगर पेंडिंग में है तो आपको पेंडिंग पे क्लिक करना है, राइट। नीचे फिर आपको ट्रेडमार्क टाइप सेलेक्ट करना है, अगर वर्ड मार्क है तो वर्क मार्क कीजिए, अगर आपका इमेज बेस्ड है ट्रेडमार्क तो आपको डिवाइस मार्क पे क्लिक करना है। जैसे आप डिवाइस मार्क पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक इमेज अपलोड करनी होगी, आपको वो इमेज यहाँ पे डालनी है जो जिसके लिए आपने ट्रेडमार्क लिया है। यहाँ पे आपको अगेन एग्जैक्ट इमेज डालनी पड़ेगी जिसके लिए आपने ट्रेडमार्क लिया है, और सेम टू सेम इमेज आपके ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट में भी होनी चाहिए तभी ये अप्रूव होगा। तो इस चीज का प्लीज आप अच्छे से ध्यान रखिए। अगेन मैं यहाँ पे वॉटरमार्क कर देता हूँ। नीचे आपको अगेन दो ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन डालनी रहती है। सबसे पहले अगर आपका कोई वेबसाइट है तो उसका URL आप यहाँ पे डाल दीजिए, ये काफी हेल्पफुल रहेगा, आपकी ब्रांड रजिस्ट्री जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। दूसरा, आप अगर किसी और वेबसाइट पे भी सेल कर रहे हो, जैसे मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, किसी भी वेबसाइट पे आप अगर सेल कर रहे हो तो आप उसका भी URL यहाँ पे डाल सकते हो। नीचे फिर आपको एक अपना प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करना पड़ेगा, उस इमेज पे आपका जो ब्रांड नेम है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैं एक इमेज अपलोड कर देता हूँ, ये इमेज जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे ब्रांड नेम वगैरह नहीं है, ये मैं आपको जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ये करने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है नेक्स्ट पे। अगेन फिर आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा, यहाँ पर आपको अपना सेलिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन डालना है। सबसे पहला है आर यू अ सेलर और वेंडर। देखो सेलर कौन होता है, जो रिटेल में अपना माल amazon.in पे सेल कर रहा है, और वेंडर वो होता है जो amazon को अपना माल सेल कर रहा है। तो आप अगर सेलर हो तो सेलर पे क्लिक कीजिए, अगर आप वेंडर हो तो वेंडर पे क्लिक कीजिए, अगर आप दोनों हो तो आप दोनों पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप ये जैसे यहाँ पे मैं सेलर पे क्लिक किया है तो नीचे देखिए मेरे जो अकाउंट है, मेरा सेलिंग अकाउंट, उसका इन्फॉर्मेशन आ गया है यहाँ पे मेरा। ये आप देख सकते हो, ये मेरा मर्चेंट टोकन ID है, राइट। तो यहाँ पे मुझे ये जो बॉक्स है यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ये करने के बाद फिर नीचे आपको आपका कैटेगरी चूज करना है, तो यहां से मैं एक कैटेगरी चूज कर लेता हूं, राइट। उसके नीचे फिर आप देखिए प्लीज प्रोवाइड योर टॉप सेलिंग एसिन। तो यहां पे देखिए, यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पे amazon.com लिखा हुआ है, तो यहां से आपको amazon.in करना पड़ेगा, राइट। और फिर आपको जाना है आपकी इन्वेंट्री में, और यहां से आपका कोई भी जो भी टॉप सेलिंग एसिन है उसको कॉपी करके उधर उसको पेस्ट कर देना है। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो ये करने के बाद मुझे सिंपली क्लिक करना है नेक्स्ट पे। अभी यहाँ पे ये फाइनल स्टेप आ गया है, तो यहाँ पे अभी आपसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो सबसे पहला ये बोलेगा डज योर ब्रांड सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल कर रहे हो तो यस कीजिए, अगर नहीं करते हो तो सिंपली नो कर दीजिए। उसके बाद वेयर आर योर ब्रांड्स प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपके किस किस कंट्री में जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। फिर तीसरा है लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, डज योर ब्रांड लाइसेंस ट्रेडमार्क टू अदर, यानी आपका जो भी ब्रांड है वो दूसरों को लाइसेंस देता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का या फिर उनको सेल करने का। अगर येस है तो येस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। ये करने के बाद आपको क्लिक कर देना है सबमिट पे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपका जो ब्रांड रजिस्ट्री है वो एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है डन पे, तो ये जो आपका एप्लीकेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। और अभी हम बात करेंगे कि जैसे ही आपका एक बार ब्रांड रजिस्ट्री का एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है। यहाँ पे आप अगेन देख सकते हो अंडर रिव्यू में आ गया है, ये बहुत ही जल्दी अप्रूव या फिर रिजेक्ट हो जाएगा, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जैसे ही आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो Amazon 1 से लेकर 14 डेज तक का टाइम पीरियड लेता है आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई और अप्रूव करने में।
अगर आपको आपके एप्लीकेशन का स्टेटस देखना है तो सेम आपको मिल जाएगा ब्रांड रजिस्ट्री वाले पेज में मैनेज के ऑप्शन के अंदर। अब मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूं उसको प्लीज बहुत ही ध्यान से सुनिए। Amazon एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करता है जो ट्रेडमार्क के साथ रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पे। ये मेल आईडी आपकी हो सकती है या फिर ये उस पर्सन की मेल आईडी होगी जिसने आपको ट्रेडमार्क लाकर दिया है। इस वेरिफिकेशन कोड को आपको लेना है और इसके बाद आपको सपोर्ट के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे केस लॉक का आपको ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है इस केस लॉक में और रिप्लाई कर देना है सेम केस लॉक पे, तो आपको ब्रांड अप्रूवल मिल जाएगा। इन केस अगर आपका ब्रांड रजिस्ट्री रिजेक्ट कर देता है Amazon, तो आपको फिर से रीअप्लाई करना पड़ेगा सेम प्रोसेस के साथ। आई होप ये वीडियो आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।